ऊपर जो ना उस चैप्टर का नाम लिख जाओ। अच्छा अच्छा बता रही तू। देखो भाई ठीक है, शुरू करें भाई। बैंक की गेट क्या है? देखो वही है कंप्लेक्स। ये कंप्लेक्स नंबर ही है। बात वहाँ स्टॉप स्टॉप भाई थी। प्रॉपर्टी ऑफ कंप्लेक्स नंबर, प्रॉपर्टी ऑफ क्या नंबर दिया था मैंने? कंजुगेट पहली क्या आती है कि भी वही थोड़ा सा एक कंजुगेट ऑफ कंजुगेट ऑफ कंप्लेक्स नंबर ही है। कंजुगेट सेम नंबर है, सेम नंबर कंजुगेट। और दूसरी क्या आती है भाई? यानी एक नंबर है फिर उसका कंजुगेट है, इन दोनों को जोड़ के आता है रियल नंबर ऑफ, ठीक है। एक क्या आती फिर इसका माइनस थी, ये क्या है टू इमेजिनरी ऑफ जेड नंबर। यहाँ देखिए थी, ठीक है भाई। ये क्या था, अगर मान लिया कोई नंबर है और इसका क्या है ये कंजुगेट दोनों क्या है बराबर है, एक नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कंजुगेट इक्वल है, कब होगा? सिर्फ एक ही कंडीशन होगी, जब वो नंबर प्योरली कैसा होगा, कैसा होगा प्योरली रियल नंबर, प्योरली इसमें इमेजिनरी पार्ट होने नहीं, क्लियरली रियल नंबर। यानी एक नंबर और उसका कंजुगेट कब बराबर हो सकता है? इसमें इमेजिनरी आई होना ही नहीं, माइनस आई आ जाएगा, वो है माइनस आई का प्लस आ जाएगा, वो नहीं होना। तो यानी क्लियरली इस हिसाब से ये लैग्रेंज नई प्रॉपर्टी बता दी थी, करो जल्दी। अगर ये नंबर z प्लस z बार है इक्वल टू जीरो है तो कैसा रहेगा, ये कैसा होगा? अक्ल लगाओ थोड़ी सी। हाँ हाँ एक नंबर है और उसका कंजुगेट जीरो है, एक नंबर उसका कंजुगेट उन दोनों का सम सम हाँ जीरो है, तो कितना होगा प्योरली, कैसा होगा इमेजिनरी होगा, दोनों प्योरली इमेजिनरी, क्योंकि हो ही सकता कि अगर प्योरली बता दूंगा, पहले लिख दो पहले हैं कभी।
शुक्रिया भाई, क्या लिख लिया आपने भाई? देखो भाई क्या है, एक नंबर है उसका कंजुगेट है, दोनों की मल्टीप्लिकेशन है, दोनों का बात है मल्टीप्लिकेशन, इनकी रियल पार्ट का उसका रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इसके ये बता रहा है। ये क्या बता रहा है, दो नंबर हैं उनका प्लस और में क्या कह रहे हैं कंजुगेट, दोनों के अलग अलग कंजुगेट के इक्वल होता है, यानी दोनों का पहले प्लस करके कंजुगेट ले लो, छह पहले कंजुगेट पहले का लो फिर दूसरे का लो, अब फिर वो क्या कर दो ऐड कर दो, रिजल्ट रिजल्टेंट विल बी सेम सेम है यार, इज इफ वी सबट्रैक्ट टू नंबर आफ्टर दैट वी गेट कंजुगेट विल बी इक्वल टू ए नंबर देयर कंजुगेट एंड सेकंड नंबर देयर कंजुगेट एंड देयर डिफरेंस, यानी दो नंबरों को पहले से चेंज जोड़ के उनका कंजुगेट निकाल लो या उनका अलग अलग करें कंजुगेट निकाल के दोनों क्या कर लो माइनस कर लो, दोनों क्या रहेंगे सेम रहेंगे, इस तरह ये प्लस की ये माइनस की ये क्या है मल्टीपल का ही है, मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी है, इस मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी से ये है कि इसकी कुछ की भी पावर होगी, इसके पहले सवाल भी बताऊंगा मैं, कुछ की पावर होगी यानी कि जेड की पावर एन है, पहले जेड का क्या कर दो कंजुगेट फिर की पावर एन कर दो फिर जेड की पावर एन कर दो फिर इसका क्या कर दो कंजुगेट विल बी सेम। सिमिलरली जेड वन अपॉन जेड टू जेड वन अपॉन जेड टू, इस तरह ये जो है इनका अलग अलग भी, ये शर्त क्या है इसके लिए कि z2 नॉट इक्वल टू जीरो, जैसे उसमें थी रैशनल नंबर में ये पून क्यों है ना q नॉट इक्वल टू जीरो, ये इसकी 10 प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है सर, अब इसके ऊपर कोई क्वेश्चन देखते हैं, लगाते हैं थोड़ा एक जो है इन प्रॉपर्टी को, देखो जैसे भाई लिखो प्रूव दैट that is a purely real number, ये बताना है कि कैसा नंबर है भाई, या ये कहते पेपर में कि बताओ ये कैसा नंबर है, रियल नंबर है इमेजिनरी नंबर है, ठीक नहीं है। नहीं प्रूव करना है ये, क्योंकि प्रूव करना है कि बताना है कि कैसा नंबर है, ये क्या करना है प्रूव करना है कि क्या है ये नंबर कैसा है। देखो भाई ये नंबर तो जू का तू ठीक, इसका अगर मैं कंजुगेट कर दूं इसका नंबर का तो ये आ जाएगा भाई, ये तो आ जाएगा कंजुगेट बता दे मैंने, और कंजुगेट है तो इसके ऊपर ये भी लिख दूंगा भाई, कोई दिक्कत तो नहीं भाई जी, साइन तो चेंज करते हैं बताया था पहले, ये कर दो दिक्कत नहीं, कंजुगेट लगा दे फिर ऊपर फाइव जू कर दूँ। अब मान लिया बाई चांस ये जेड है, ये कितना जाएगा जेड बार, ये जेड का कंजुगेट, अब ये क्या प्रॉपर्टी है अगर ऐसा आ जाए जेड पहले जेड बार क्या आ जाए देखना तेरा क्या प्रॉपर्टी है, कैसा होगा रियल नंबर, तो नंबर कैसा आ गया ये लिखी नहीं जेड प्लस जेड बार, इन्होंने तो लिखा लिखा नहीं आपने, तो जेड प्लस जेड बार क्या आ जाता है प्योरली रियल, तो कैसा नंबर आ गया ये, दिक्कत तो नहीं पहचान लूंगा एकदम है आसान,
बस वही प्रॉपर्टी लेगी, इसमें जेड की पावर एन है, बार इक्वल टू एन, बराबर नहीं होता ये। ये समझा गई ना कि हाँ कहाँ से प्रॉपर्टी लगी है, ये कॉन्सेप्ट क्या है? नहीं मतलब वो तो, ये तो रिजल्ट आएगा इसका टू टाइम्स रियल नंबर जेड के। पूछा नंबर कैसा होगा, ये इमेजिनरी होगा, रियल होगा, कैसा होगा? आंसर नहीं पूछ रहा तुमने, ये क्या पूछ रहा भैया? प्रॉपर्टी कि कैसा होगा ये। तो ये तो आंसर क्या होगा इसका, टू इंटू रियल पार्ट क्या है जेड का, रियल पार्ट क्या है, रूट थ्री अपॉन टू है, टू से टू वैसे तो रूट थ्री आएगा इसका आंसर अगर ये निकालना हो, ठीक नहीं है? चलो और करो, देखो एक और अच्छा सवाल है, देखो एक कॉन्सेप्ट भी ऐसा बिल्कुल अच्छा बढ़िया सवाल करते हैं, कई कॉन्सेप्ट लगते हैं जिसमें ईवी था हम तो मुश्किल था तो है सिर्फ कौन है डायरेक्ट कॉन्सेप्ट होता है ना। देखो एक और डायरेक्ट कॉन्सेप्ट, एक छोटा सा एक सवाल हो सकते हैं, छोटा सा क्या थोड़ा सा कई कॉन्सेप्ट लेंगे। देखो एक लिखो इफ जेड इज ए कम्प्लेक्स नंबर, लिखो इफ जेड इज ए कम्प्लेक्स नंबर सच दैट इफ जेड इज ए कम्प्लेक्स नंबर सच दैट, इस तरह का हो पहले भी निकालू कि यार ये फिगर बन क्या रही है, कि लोकस क्या रास्ता, क्या फिगर बन रही है ये? पहले फिगर हो गई जब तो एरिया निकलेगा, एरिया किसका निकलता है किसी भी फिगर का, फिगर हो ट्राइंगल हो स्क्वायर हो रेक्टेंगल हो पैरेलोग्राम हो, ये तो पढ़ी है लिख के अंदर, पहले देखो निकलता क्या है। देखो भाई मान लिया इफ जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, ठीक है भाई, इसमें रख के क्या आ जाएगा ये एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई, देखो ये सिनेमा आ गई के पास, ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा बोलते रहो एक्स प्लस, बोलते रहो एक्स प्लस प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई इक्वल टू, ठीक है। अब क्या आ गया इसमें एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस, चलो इसे आयोटा वाई से एक्स टू एक्स क्या जाएगा, ये इस एक्स से एक्स जाएगा क्या जाएगा यहाँ से टू आयोटा वाई प्लस टू मोड एक्स इक्वल टू फोर। देखो ये टू को बाहर है, इस टू से डिवाइड करते हैं सारे को क्या आ गया एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू फोर, यहाँ तो बात नहीं आ गई जी, अच्छा टू आ जाएगा टू टू का फोर, चलो तो कोई टेक्निकल क्या यहाँ तक परेशानी तो नहीं। अच्छा ये क्या चीज़ है भैया ये, हाँ हमेशा पॉजिटिव वैल्यू है, मॉड्यूलस है ये, ये क्या बोलते हैं इसको मोड कहते हैं मॉड्यूलस, यही तो है, यानी ये बता रही है कि पॉजिटिव है हमेशा। अच्छा ये माइनस वन आएगा तो ये तो पॉजिटिव है भाई, हमने तुझे हटा दिया कोई दिक्कत थोड़ी ले, ज़्यादा क्या कर सकता है इनने कहते हैं ज़्यादा क्या कर सकता भाई, तू मारेगा ही तो है नहीं बच्चे, जो जब एक छोटे बड़े बच्चे की लड़ाई बचती है तो छोटा बच्चा क्या कहता है अब मार तो देगा तू मुझे जान से मार देगा, तो इससे ज़्यादा क्या कर सकता ये माइनस ला सके थे, इस याद से ज़्यादा तो कुछ कर सके थे बेचारा, यही इसके बस की, और हमारे इसके पिताजी हैं ये एकदम उन्हें एकदम प्लस करते हैं, ठीक है, ये मोड एक्स प्लस मोड वाई। अब इसकी मैं फिगर बनाता हूँ, ये देखो भाई
अगर मोड एक्स जीरो होगा तो वाई की वैल्यू कितनी होगी, वाई की वैल्यू अगर एक्स की वैल्यू जीरो है तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू। सही ना, जिस इक्वेशन को सोल्व कर रहे थे, अगर वाई की वैल्यू जीरो हो तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू। अगर एक्स की वैल्यू माइनस टू, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, अगर एक्स की वैल्यू जीरो आ गई जब भी माइनस टू रहेगी, इधर भी रहेगी इधर भी रहेगी, भाई दिक्कत तो नहीं। इसकी एक फिगर बन सकती है, अगर तुम चाहो देखो ये है मान लिया ये जीरो है तो इसकी वैल्यू टू भी हो सकता है और इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती। इस तरह ही अब इस तरह अगर वाई को जीरो एक्स को जीरो मान लो तो यार टू भी हो सकता है जी माइनस टू, कुछ और तो नहीं हो सकती। सुनवा के भाई कहाँ से आया, इससे आया ना, बोलो। अब इससे अगर यू मिला दूं मैं से, ये कैसी फिगर बन गई भाई, अभी हाँ रोमबस ही बन गई, लेकिन यहाँ जब है ये 90 डिग्री हो रही स्क्वायर हो गई है, रोमबस भी हो गई लेकिन इसे डायगोनल भी जो है 90 डिग्री पे हो रहे ना, ये स्क्वायर भी तो हो गई, कैसी हो गई ये स्क्वायर हो गई, कैसी हो गई ये चोर चार साइड ही साथ साथ ही 90 डिग्री पर भी तो है इसके डायगोनल, और डायगोनल बाइसेक्ट भी कर रही है, करती नहीं बाइसेक्ट, बस जितना यहाँ से यहाँ इतना यहीं से अगर वो है ओरिजिन जीरो तीन रहा भी ओरिजिन हो गया ना, अब ये जीरो है, लेकिन ये भी अब यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े, अब क्या है ये जीरो, तो ये भी दो है, ये भी दो है, ये भी दो है, ये भी दो है, और कैसी फिगर आ गई है स्क्वायर आ गई। अब मुझे स्क्वायर का एरिया निकालना है, सीधी सीधी बात है। अब मैं कह अब मेरा सवाल हो गया, अगर ये स्क्वायर हो तो इसका एरिया निकाल लो, यही नहीं सवाल हो गया, नहीं मुझे पता लग गया ये स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है भाई, साइड का स्क्वायर। अब मुझे साइड नहीं पता इसकी, लेकिन ये साइड यही तो है इसकी। अगर मान लिया मैं ए बी सी मान लूँ, ए बी सी डी, ए बी ये इसको कोई साइड पता लग जा है तो नहीं, निकाल लगे किस तरह, हाँ पाइथागोरस पर किस तरीके से गया, हाँ पाइथागोरस या ही कह दो, देखो बिल्कुल सही कहा कि ये 90 डिग्री पे हो रहे भी बताया मैंने, यानी कि ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, बिल्कुल सही बताया। ये एक और तरीका बता दो भाई मैं, ये क्या चीज़ के कहलाता है इसका डायगोनल, डायगोनल क्या होता है इसका, इसका क्या चीज़ है ये स्क्वायर, स्क्वायर का डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, साइड रूट टू ए रूट टू, पढ़ा नहीं तो ए रूट टू इक्वल टू फोर है, आई नहीं क्या समझ में, यानी कि वर्ग का विकर्ण भुजा रूट टू हो, साइड का मतलब भुजा यार, मैं सीधी सीधी बात है, अच्छा हल्की बोलू है देखो, बोल बताया ना, देखो जो वर्ग है वर्ग का विकर्ण जो है कितना होता है भाई, अरे मैं भी तो यही कह रहा था, तुम कह रहे हैं हिंदी मीडियम में था, मैं भी तो साइड रूट टू कह रहा, मैंने तो आपकी बात कॉपी कर ली, अच्छा अच्छा, तो भुजा रूट टू, भुजा रूट टू कितनी है, इज इक्वल टू फोर, या यूँ कह रहे जी, मैं तो वही मान लूंगी, ले भाई यूँ कर लो तू, देखो दोनों तरीके वही आएगा, देखो भुजा रूट टू इज इक्वल टू फोर, तो भुजा क्या इक्वल हो गई भाई यहाँ से, फोर अपॉन रूट टू, रूट टू से ऊपर नीचे वही है, कल भी बताया था कि बुरा से लगे ऊपर नीचे कई बार कर लिया, अब तो ये रूट टू अपॉन रूट रूट टू, रूट टू क्या आएगा, दो और दो दुनी और टू रूट टू, यही नहीं आ गया भाई, अभी गई ये नहीं मैंने मानती, मैं तो मेरे वाले सवाल करो, दो भाई आप वाला कर लेंगे, क्या आ जाएगा ये ए बी का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, ये नहीं बताई थी तुमने मुझे, ये कितना आ जाएगा, टू का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर, टू टू द फोर, फोर प्लस इज इक्वल टू एट, तो ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट एट, ए बी कितना आ गया भाई, ये फोर रूट टू, टू रूट टू आ गया, देखो यही अच्छे हैं तो इस तरह कर लो, चाहे इस तरह कर लो, एक ही बात है या अलग बात है, कौन सा वाला जी, ये वाला, ये देखो 2x इज इक्वल टू टेन, एक्स इक्वल टू क्या होता है, टेन अपॉन, ये बात समझ में आ गई,
तो ये बुझा इक्वल टू फोर अपॉन रूट टू इधर नहीं जाएगा, ये दोनों के बीच मल्टीप्लाई का है ये। अच्छा, हाँ बुझा की जगह ये अब ठीक है भाई, आगे बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा लगता है कुछ मतलब पूछता अच्छा लगता है, यहाँ कुछ हो तो रहा, तो यहाँ तक बात नहीं आ गई, क्या आ गई थी ये बुझा आ गई, ये भी यहाँ भी इनकी बुझा हुई है हमारी बुझा हुई है, तो उन दोनों की एक बुझा तो सवाल ठीक है। जब ये बुझा आ गई तो क्या निकालना है अभी इसका मुझे, एरिया, एरिया क्या होता है वर्क का, यानी साइड का स्क्वायर, लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, लिखेंगे रिक्वायर्ड फिगर, चाहे लिख रहे एरिया ऑफ रिक्वायर्ड फिगर, वो एरिया जितने जो हमें चाहिए, यही तो होता है, क्या होता है साइड का टू रूट टू का, टू रूट टू का स्क्वायर कितना देगा, टू रूट टू मल्टीप्लाई एट बता रहे, तो ठीक है एट स्क्वायर यूनिट, एट स्क्वायर यूनिट बताओ, कोई दिक्कत थी था आसान, मुश्किल तो इनका भाई बढ़िया था सवाल, अच्छा था प्यारा था, हैं अच्छा प्यारा सा सवाल था, उतार लो चलो, नहीं तो मैं मिटूंगी, बोलो इजी था आसान सवाल था, अगर तुम सोचते हो सकता था, हैं ये लेंथ बिटो दे भाई, एक पहली लाइन अब क्या है फ्रैक्शन फॉर्मूला ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या होता है भैया तो अच्छी तरह समझ आइए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, फिर आगे बढ़ते हैं, बता दिया अगर कहीं स्पीड हो बोलने की कहीं कुछ भी हो लिखने की कुछ भी, देखो भाई फ्रैक्शन फॉर्मूला ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, फ्रैक्शन सुना हो तुमने, जो बायोलॉजी के बच्चे कहते हैं कि भाई हम जब फ्रॉग का फ्रैक्शन करेंगे क्या करेंगे, हिस्से फ्रैक्शन किसे कहते हैं, कौन से हिस्से में कौन से सेक्शन में आप टीचर पूछ रहे हैं, कौन से पूछते नहीं, सेक्शन का मतलब कौन से हिस्से में आप, नहीं तो पूरा स्कूल है पार्ट में
पूरे स्कूल में पूछता है कहाँ होगी थर्ड में, थर्ड के कौन से सेक्शन में, ए में बी में डी में एकदम बता देंगे। अच्छा अक्षरमा जी वाले के लात में है वो, जब भी तो दंगा था देना है। तो इस तरह ही मान लिया कोई लाइन थी ए बी, ए का जो है कम्पैक्ट जेड वन है, बी कितना था जेड टू, इसका जो सेक्शन है ये इंटरनली सेक्शन, कैसा सेक्शन है साथ में हो इंटरनली, कैसा है ये इंटरनली सेक्शन है। तो ये मान ले ए पी रेशियो बी पी कितना है एम इंटू एन रेशियो है, कितना है एम इंटू एन। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है सेक्शन के फॉर्मूले से, जैसे कोऑर्डिनेट में हमने पढ़ा था इंटरनली सेक्शन बन नहीं था, अंत विभाजन बाह्य विभाजन याद आ गया कुछ, वही है ठीक। क्या जाएगा ये क्या पढ़ाता है इसमें, मान लिया z1 तो है z1 इक्वल टू x1 प्लस i उल्टा y1, z2 कितना है x2 प्लस i उल्टा y2, यही तो है। इसका क्या जाएगा इसका फॉर्मूला, वही आएगा m1 x2 x2 ये तो वही है ना m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 m प्लस, ये क्या जाएगा बोलो आयोटा m, बोलो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m प्लस, वहाँ से बात में आ गई भाई बोलो आ गई क्या है m1 m2 क्या है m1 m2 mn 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 तो mn ही कर लेंगे, या तो m1 m2 मान लेते हैं दो दो कह दिए इसको, या तो इसे m1 m2 मान लो क्या मान लो mn, एक ही बात है। यहाँ तक बात तो समझ में आ गई, अब भी नहीं आई बात, अब भी नहीं आई। ये फार्मूला होता है, अगर मान लिया दसवीं में पढ़ा था तुमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इन अंत विभाजन का, मान लिया कोऑर्डिनेट कितने थे इसके x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट कितने थे दूसरे लाइन के x2 y2, ये दूसरे पॉइंट के, इसका अगर अंत विभाजन कर रहा है फार्मूला क्या होता है, अगर मान लें एम एन रेशो में करें ये फार्मूला होता है एम एक्स टू एन एक्स वन ओन एम प्लस एन, ये वैल्यू कैसे वैल्यू ये तो है, ये है तो नहीं है, ये एक्स वन वाई वन नहीं कर सकते इसको, ये ऑर्डर पीरियड नहीं कर सकते, ये ऑर्डर पीरियड नहीं कर सकते, कल बताया था ऑर्डर पीरियड में भी लिख सकते नहीं थे, ये कम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पीरियड में भी लिखा जाता है कोऑर्डिनेटर बताया था, ये कम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पीरियड में भी लिखा जाता है, इस तरह लिखा जाता ये चेंज ये इस तरह लिखा बताया था ए बी बिलोंग्स टू आर बताया था कल मैंने, यही तो है ये चेंज तरह लिख दो, अब आगे नहीं ये इस तरह ही नहीं आई हाई स्कूल में बताया था पढ़ा हुआ आपने, नहीं आया तो बताऊँ हट के बोलो हट के बताऊँगा बोलो आगे समझ बोलो, अब तो वही तो है भाई, ये देखो m प्लस एन तीनों में से क्या है दोनों में से कॉमन है नीचे, ये क्या जाएगा बोलो m x2 प्लस n x1 प्लस i ओटा m y2 प्लस n y2 बोलो, अगली बात में आते ठीक है बात है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले लूँ मैं, m2 कॉमन ले लूँ m कॉमन ले लो दोनों में से, इन दोनों में से क्या कॉमन ले लूँ n, तो क्या जाएगा बोलो m कॉमन ले क्या जाएगा, हाँ क्या जाएगा x2 प्लस i ओल्टा y2 प्लस i n कॉमन लेके क्या आ जाएगा x1 प्लस i ओल्टा y1 अपॉन m प्लस n, कोई दिक्कत आई बोलो जी, देखो एम एक्स टू तो ये रहा और आई एम वाई टू ये रहा, दोनों में एम कॉमन ले लिया क्या बचे, क्या बचेगा आई भी है साथ में आई भी है, ये तो लिखा भाई मैंने, इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिया एन, क्या बच जाएगा एक्स वन प्लस आई ओटा वाई वन, ये वाई या वाई वन है, दिक्कत नहीं थी भाई बोलो ठीक है yes,
और ये x2 प्लस iota y2 की वैल्यू कितनी थी? z2 क्या जाएगा यो? m z2 प्लस इसकी वैल्यू कितनी थी? n z1 अपॉन क्या जाएगा? बोलो अगर कोई मान लिया इसका जो है कॉम्प्लेक्स नंबर एक जेड वन है, इसका जेड टू है और इसे इंटरनली सेक्शन पी पॉइंट पे है, किस रेशो में करगा ए पी इज रेशो बी पी क्या जाएगा एम रेशो एन ओ, देन देयर विल भी क्या होगा इसके क्या सेक्शन फॉर्मूला होगा एम जेड टू प्लस एन जेड वन अपॉन एम प्लस एन। ठीक है भाई उतारने से उतार लो तो आगे बढ़े फॉर्मूला है सीधा तो फॉर्मूला जनरेट करा डायरेक्ट से भी याद करना पड़ेगा तो क्या कर लेंगे इसको डायरेक्ट याद कर लेंगे बता कि आया कहाँ से है आगे समझे भाई सही कहा तुमने तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है भाई शाबाश बहुत अच्छी बात ये लिखना चाह रहा था अब तुम ये लिखना भी आसान तो और छोटा का लिख दूँगा मैं ज़्यादा बड़े काम का था लिखना सोच रहा था मैं लिखूँ क्या लिखूँ लिख लिया भाई तुम भी उलझ गए के चक्कर में लिख बना लिख ले बिल्कुल सही है शाबाश बहुत अच्छी बात पकड़ी भाई एकदम यही तो है कल बस देखो भाई अब क्या करा कि ए बी जो है एक्सटर्नली डिवाइड करता है कि अब क्या अब के कैसे करा था उसके अंदर ही मान लिया कोई ए बी था ये वही है ए बी था ये था ये जेड वन था यहाँ ये कितना था ये कंपनी नंबर जेड टू था अब कि यहाँ इंटरनली यहाँ नहीं करे कहाँ करेगा आपके वो डिवाइड किस किस पॉइंट पर पी पॉइंट पर कहाँ करे वो बाहर बाहर का मतलब कहीं बाहर यहाँ करे या इधर करे हैं मान लिया यहाँ करता है वो यहाँ ठीक तो उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा यहाँ बस ये माइनस आ जाएगा क्या आ जाएगा यहाँ एम जेड टू माइनस एन जेड वन अपॉन एम प्लस एन डायरेक्टली लिख लो फॉर्मूला अब तो हो गए बड़े सारे अब तो क्या लिखेंगे इफ ए बी डिवाइड एक्सटर्नली एट द पॉइंट पी एट द पॉइंट तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा एम जेड टू माइनस एम जेड एन अपॉन एम माइनस एन अजी मैंने तो ना माइनस लिखा ना प्लस लिखा अभी तो मिटो मिटो यार मैंने लो है नहीं
नहीं मैं तो पहले मैं तो म्यूटा म्यूटा था फिर में आ गया ना कहाँ था वो यानी कि ठीक है यानी ए पी रेशियो बी पी क्या है एम एन बी अगर कर, वो करता है क्या करता है ये क्या जाएगा एम जेड टू माइनस एम जेड अपोन एम अपोन एम माइनस एम मिटो तो सारा भाई yes, ये घर बैठे कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं इस तरह ही राम कथा भी कर लेंगे yes, बोलो भाई आगे बढ़े yes, चलो आगे मिटो पहले जब नाइन्थ में पढ़ाते हैं तो कहते हैं बच्चों को भाई मिटो चलते हैं नाइन्थ में एक बच्चा उठता है फिर वो मिटो है हैं नाइन्थ में ही चलते हैं अब चल ही मिटो फिर हैं रॉबर्ट तुमने भी एक और बच्चे भाग रहे हैं एक को बहुत दोनों भागा जी भाग मैं करूँगा चलो ये टाइम टाइम की बात है बड़े वक्त चले जाओ सब कुछ छूट पर चले जाओ वो अच्छे दिन थे तीन अच्छे दिन वो फिर भी अच्छा दिन थे हैं जी बड़े आते हैं बेकार दिन होते हैं सहूलियतें बढ़ती हैं हाँ एक कोई कोटेशन लिखनी है मैं लड़ना जी आज मैं लिखूँगा कल इसने लिखी भी है करा होगा लड़के लिखते लड़के ज़्यादा लिखती हैं हाँ कुछ नहीं है देखो भाई देखो कम्प्लेक्स नंबर ऑफ मिड पॉइंट कम्प्लेक्स नंबर ऑफ भाई मिड पॉइंट भी जानो क्या हो क्या हाँ सुना कभी मिड क्या हो हाँ जिसे मिड विकेट क्या हैं अभी मिडिल स्टंप क्या है इसी लिया गया अभी जैसे मान लिया कोई ए बी है भाई वही है मेरा तो फिर ये जेड वन है ये यहाँ कोई पॉइंट है बिल्कुल मिड में इसके क्या पॉइंट होंगे वही था फॉर्मूला क्या था भाई मिड पॉइंट है क्या था कोऑर्डिनेट में फॉर्मूला बताओ हाँ हाँ बोलो बोलो क्या था बोल वही था जेड वन प्लस जेड टू अपॉन टू और ये याद रखना भाई जेड वन की वैल्यू एक्स वन प्लस आई वन है ये yes, वो वाला जेड वन नहीं है कभी ए बी सी डी वाला ये जेड टू की वैल्यू क्या है आई टू आई टू ये लिखो बार बार काम चल जाएगा चल जाएगा ठीक है लिख तो इसका मिड पॉइंट मान लिया था पी है ये मिड पॉइंट ये बना लो मिड पॉइंट क्या आ जाएगा अगर सेंटर्ड ऑफ ए ट्राइंगल सेंटर्ड सेंटर जानो क्या हो सुना ये भी सेंटर सेंटर्ड जानो सेंटर क्या हो क्या हो हाँ वो सेंटर हाँ बिल्कुल सही बात बिल्कुल डायमीटर का ये यूनिट है बिल्कुल सेंटर हो अब कहाँ अब भूकंप आया वहाँ सेंटर था सुना अब सेंटर कहाँ था अब तू सेंटर में खड़ा हो जा अब बीच में बिल्कुल बिल्कुल बीच में केंद्र रखी थी केंद्र के हैं तो त्रिभुज का केंद्र त्रिभुज के केंद्र का क्या फॉर्मूला था भाई याद है कुछ भूल गए वो था एक्स वन प्लस एक्स टू एक्स थ्री अपॉन थ्री वाई वन वाई तो यहाँ क्या जाएगा जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री अपॉन वही नहीं आजुक बस थोड़ा सा नाम ही तो बदला है वो इससे रिलेट करेंगे ध्यान नहीं रहे भूल लेने पढ़ा होगा भाई ये तो लिख के तू वही हट के चलो लिख के मिटू आगे बढ़े भाई बात थोड़ी लिखो फाइंड द रिलेशन ये क्वेश्चन है कि बस थोड़ा सा क्वेश्चन लगाएंगे अब कल से का अगर काम बन जाएगा कुछ है फाइंड द रिलेशन बिटवीन जेड वन जेड टू जेड थ्री एंड जेड फोर फाइंड द रिलेशन बिटवीन क्या है
Z1, Z2, Z3 and Z4 are the affixes. समझ में नहीं आया फिक्स किसे कहें तो कह रहे जड़ा दे फिक्स कर दिया वहाँ वही तो एफिक्सर वही तो फिक्सर वो फिक्स कहते नहीं क्या फिक्स कर देना वहाँ वो भागी मिली एफिक्सर हाँ एक दो दो एफिक्सर ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द वर्टेक्स 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 नहीं जानते इसे क्या वर्टेक्स शीर्ष को शीर्ष को है नहीं वर्टेक्स और द वर्टेसिस पूछते रहो बेटे जो भी मैं वर्ड बोल लूँ ना इंग्लिश का ना समझा एकदम हिंदी बोल लो क्या कहा जी अगर मैं क्वेश्चन बोल लूँ जब भी लिख लियो उसके नीचे हिंदी में लिख लिया अगर छोटा सा ठीक है अरे नहीं सबको नहीं पता सभी बात है ना वर्टेसिस और फिर पैरेललोग्राम ही पैरेललोग्राम किसे कहते हैं भाई समांतर चतुर्भुज को समझिए समांतर चतुर्भुज नाम सुना होगा क्या है एफिक्स इन वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर एक ऑर्डर में ले और उसी ऑर्डर में लेना भाई किस ऑर्डर में लेना पहले क्या आएगी Z1 फिर इन्हीं Z1 के बाद Z4 ले ले मतलब एक ऑर्डर में वही लेना भाई सीधा मतलब सवाल बनाने वाला क्या है बिल्कुल ये सीधा है बिल्कुल सही बता रहा भाई इन्हें बस एक ऑर्डर समझिए एक बार बता दूसरी सवाल क्या है सवाल समझने की कोशिश करते हैं यूँ कह रहा है कि भाई इफ में Z1 Z2 Z3 और Z4 में रिलेशन बता दो अब कैसी रिलेशन बताओ कि जो ये हैं ये शीर्ष हैं किसके शीर्ष हैं ये समांतर चतुर्भुज के द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर टेकन इन एक ऑर्डर में लेना अब ये इन्होंने बताया था कि समांतर चतुर्भुज किसे कहें किसे कहें क्या बताया था भाई आपने टू साइड दो साइड तो उसकी रेक्टेंगल की भी बोलूँ आमने सामने की कल भी बताए थे हमने चारों साइड तो स्क्वायर की भी बोलूँ नहीं पैरेललोग्राम क्या होगा समांतर चतुर्भुज देखो भाई पता है समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं हाँ देखो 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 मैं चार बुझाए वाले कई चीज़ें हूँ देखो मैं बता रहा देखो छोटा छोटा देखो देखो भाई सुनो देख लो भाई अगर काम चल जाए एक क्या होती है आयत एक क्या होता है वर्ग एक क्या होता है समांतर चतुर्भुज चार वाली त्रिभुज नहीं समांतर समांतर चतुर्भुज एक क्या होती है अभी तुमने बताया था एक नया नाम रोम्बस किसे कहेंगे अब जब मैं हिंदी कहूँ तो तुम इंग्लिश हो इंग्लिश कहो तो हिंदी में आधा हिंदी आधा चलो भाई सम चतुर्भुज रोम्बस किसे कहें रोम्बस किसे कहें कोई बात नहीं मैं तो दोनों पढ़ा दूँ कोई दिक्कत नहीं मेरे दोनों है बहुत अच्छी तरह हिंदी भी इतनी अच्छी है इंग्लिश भी इतनी ठीक है ये सुन लिया और भी हो कुछ समलम ये क्या हो पतंगा गार ले काइट है तो पतंगा गार ये तो हो गई पतंग पतंग जैसी ये तो बता रहे थे सुना ये आयत क्या हो जिसकी आमने सामने की पूजा बराबर हो उसे आयत कहते हैं जैसे ये ठीक है सुन लिया बात लिख लो आयत कभी भूल जाओ फिर वर्ग किसे कहेंगे जिसकी यहाँ तक बात समझ आ गई समांतर चतुर्भुज किसे कहेंगे जिसकी आमने सामने की पूजा समांतर हो समांतर किसे कहेंगे देखिए समांतर कोई चीज़ समांतर क्या चीज़ हुई है पैरेलल जानो पैरेलल क्या चीज़ हो कोई एग्जाम्पल भी है दुनिया में कोई समांतर चीज है देखी कोई हाँ गाड़ी पैडल जा रही ये किले नहीं हो थोड़ी कोई दुनिया में जिस चीज़ देखी पैडल की दो चीज़ें होती है एक तो पैडल होती है अरे क्या होती है
परपेंडिकुलर लंब, देखी परपेंडिकुलर कोई चीज कहाँ देखी परपेंडिकुलर, क्या देखी बताओ? एग्जाम्पल बताओ मुझे किस तरह कोई जो बच्चे को भी चीज़ से बता दें, हाँ भाई ये देखिएगा। अगर मैंने घड़ी देखी है, देख मैं घड़ी दोस्त नहीं है, टिक 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 कर दी इस तरह एकदम, जो बच्चे को बता दो। हाँ कहाँ बन रही है बताओ, कहाँ बना दिखाओ तो, एग्जाम्पल दिखाओ। अच्छा हाँ थोड़ा जब आगे करेंगे भाई, तो बंदा कर दिया। चलो देखो देखो भाई, समानता चित्रभुज वो बुझा जो दोनों एक दूसरे को काटते हैं सीधी चले, जैसे रेलवे लाइन की पटरी देख ली। अब तुम्हें भूल लें लम्ब क्या होती है, इस तरह लम्ब बताओ, इस तरह बताओ, जो बच्चा देखते एकदम बता देगा हाँ जी हाँ मैंने देखी होगा। लम्ब क्या होगा, जैसे ये भी दोनों समानता है, ये ऊपरले वाली लाइन और इसकी लाइन, कभी नहीं मिलनी चाहिए जहाँ तक ले जाओ लंबे करके। परपेंडिकुलर क्या हो, जो एक दूसरे के 90 डिग्री पर, ये जैसे हम पंप से हवा भरे हैं वो। अब तुम्हें भूलने याद हो गया, लंबर समानते ये भी देखो, ये भी एक लंबा है, देखो ये है, ये लंबा है, देखो देखा देखिएगा, अरे ये देखो ये पट्टी पर लंबा है, ये भी इसका लंबा है, ये कहाँ बताया, ये बताया ये देखो ये भी लंबा है, ये आगे समझे भाई। यानी कि समानता चित्रभुज वो दो भुजाएं जिसकी आमने सामने की भुजा समांतर, समान ही समांतर, बराबर हैं, बराबर है ही नहीं, इसे क्या बोलते हैं समांतर। भूल अपनी याद रखे, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्रामी आर बाइसेक्ट एट ईच अदर, क्या कहा? हाँ जी उसकी भी कह रहे हैं, उसके भी मैंने मना तो नहीं करा जी। यानी कि अगर कोई ये समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, नहीं ए बी सी डी, और इसके पॉइंट कह रहा है जेड वन जेड टू जेड थ्री ले लें भाई, इसी ऑर्डर में ले लें, तो इसके जो डायगोनल हैं वो बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर एक दूसरे को, है जी। अजय भी डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे ये उसका मिड पॉइंट हो जाएगा भाई, वो क्या आ जाएगा इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, इन दोनों का क्या जाएगा जो उसका मध्य बिंदु हो जाएगा, इसका मध्य बिंदु ओ ए सी का मध्य बिंदु क्या जाएगा, ओ लिखेंगे, क्या लिखेंगे ए सी का मध्य बिंदु, हिंदी में लिख लो इंग्लिश में मिड पॉइंट लिखो, आपके ऊपर डिपेंड है, मैं दोनों में लिख लो है, ए सी का मिड पॉइंट, ए सी का लेकिन मिड पॉइंट ऑफ ए सी, मिड पॉइंट ऑफ, मैथ इंग्लिश तो बहुत आसान हो भाई, जो हिंदी में वो इंग्लिश में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्या रहेगा बोल लो, जेड वन प्लस हाँ जेड वन टू, इसका क्या जाएगा मिड पॉइंट ऑफ बी डी, मिड पॉइंट ऑफ बी डी क्या जाएगा बोलो, जेड टू प्लस जेड फोर अपॉन, यहाँ तो बात नहीं होगी बोलो, और दोनों क्या है ये, अभी क्या होता है पैरेललोग्राम में क्या बताया समांतर चतुर्भुज में, इसके जो मिड पॉइंट होते हैं दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं, और दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं, समद्विभाजित करते हैं दोनों हिस्से होंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं, तो क्या आ जाएगा Z1 प्लस Z3 अपॉन 2 इक्वल टू Z2 प्लस Z4 अपॉन 2, 2 से 2 आएगा, तो Z1 प्लस Z3 इक्वल टू Z2 प्लस Z4, तो क्या रिलेशन है इनके बीच, इसके रिजल्ट याद कर लें, डायरेक्ट आता है रिजल्ट सवाल, ये तो मैंने करके दिखा दिया, इम्तहान में आता है जब भी तुम पेपर दोगे IIT वगैरह का कहीं, मतलब मैथ से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आता है, ये क्या आता है, वो कहेगा कि भाई जेड वन जेड टू आर वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम के, तो उन्हें पता रिलेशन क्या होगी, छोटा सा दे देगा एक लाइन का सवाल, इतनी महाभारत नहीं देना वो, अगर एक ही ऑर्डर में है यूँ कर ले वो कर ले, सीधी सीधी बात है ये बता देगा, तो तुम्हें देखना कि क्या पढ़ा रखा भी नहीं इनने, क्या कहेगा भाई जेड टू जेड थ्री आर शीर्ष हैं समानते चुके, बता भाई क्या रिश्तेदारी होगी, क्या रिश्तेदारी होगी,
रिलेटिव लैंग्वेज बगैर देखी और ये करने का तरीका बताओ है आगे जी क्या करें पूरा ही देगा वो ठीक नहीं है कर लूंगा मैं कोई दिक्कत नहीं आगे बढ़े उतार लिया अब आगे बढ़ते हैं भाई चलो अब इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वलिटी कितने हैं समानता है बहुत आता है भाई ये स्कूलों में पूरा प्रोग्राम बनाया जा लड़के लड़कियों के स्कूलों में खास तौर से बनाया जा हैं अब भाई महिलाओं को इक्वलिटी दो समान अधिकार दो सुना नहीं जी तख्ते अठाई होंगी तुमने भी कभी अठाई स्कूल में अरे रैली निकलती है भाई महिलाओं के अधिकार हैं अठाई तुमने इनके लिए तुमने अठाई हैं चलो कोई बात नहीं एक ही बात है इक्वलिटी क्या है मिला हुआ चलो अरे इन्होंने तो दिलवा रखा है तख्ते तो उठा रखी हैं कि भाई मैं पूछ लिया अगर भी बात अगर सही बना रहा कुछ मदद था आप पढ़ते थोड़ा सा है बोर तो नहीं हो रहे एक थोड़ी सी बात बता दूं भाई मैं फिर वो एक बात थी रोक के बताऊं एक बादशाह हुआ अकबर उसने यूँ कहा अगर कोई यूँ बता दे मेरे सवाल का जवाब बता दे तो मैं उसको आधी संपत्ति नाम कर दूँगा तो क्या सवाल है कोई बता दे मेरे हथेली पे बाल क्यों नहीं है मेरी हथेली पे बाल क्यों नहीं है तो उसका एक जो वो था चेला था यानी उसके नौ रत्न में से एक रत्न था बीरबल सुना होगा वो बड़ा होशियार था उसने जी मैं बताऊंगा जी आपने इतना दान पुण्य करा दान पुण्य दे देते वो घस गए बाल आपके आप इतना दान दिया करो थे और जब उठाते नहीं जब भाई सामान सोना चांदी और बाल गए घस गए आप इसलिए बाल नहीं है हाँ अब बात सब कुछ हुआ बात से कहा अच्छा ही बता जी तो बात ही है अरे तेरे क्यों नहीं आए लेकिन चल मेरे तो यूँ नहीं है अब वो चक्कर पड़ गया हमने कहा भाई ये तो भारी पड़ गई बात है उसने कहा साहब मेरे यूँ नहीं है आप इन्हें तो दे रहे थे और मैं हाथ मल लो जाऊँ तो मैं छोटे में हाथ मल जाऊँ तो ले जाऊँ तो मुझे नहीं मिला मेरे यूँ नहीं है ये दे रहे थे आप क्या है ये आप दे रहे थे ये ले रहे थे इनके तो यूँ है बोले भैया दरबार भी इनकी क्यों नहीं है इनके तो यूँ घट गए क्यों आप दे रहे थे नहीं है और मैं जो है इनका जी मैं हाथ मुड़ जाऊँ ताकि जो है अब मुझे नहीं मिला ठीक है हरी जगह यही सवाल है 2020 में भी यही है जो क्रिकेट खेलते हैं सब पे खेल लगता है जो दिन चलिया वही सिकंदर 2020 का भी यही है एग्जाम का भी जिसकी अकल सही काम करेगी कुछ चैनल पर पढ़ा तो सब ने वही एग्जाम में पास है नहीं सारे बच्चे फिर फेल यही होता भाई तो यही है हरी जवाब ये है ना बहुत जरूरी है उस टाइम जिस टाइम तुम्हारा पेपर हो रहा हो तुम्हारा एक्शन ऑफ मूड कैसा है ये डिपेंड करता है ठीक नहीं है क्योंकि उस टाइम आप फॉर्म में हो नहीं हो क्रिकेट में जिस दिन फॉर्म में होता है लास्ट का खिलाड़ी छक्के छक्के मारते हैं वो फॉर्म है उस दिन होता नहीं ऐसा आज जिस दिन फॉर्म में नहीं होता भाई ये ऊपर की भी धीरे धीरे आउट हो गए चले जाएँ पब्लिक परेशान हो चल क्योंकि टीवी बंद कर दे बड़े नहीं मैच हो रहा है ठीक चलो भाई आगे क्या बात आ गई कहाँ तक आ गए थे भाई इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर एक मान ले एक क्या है इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जैसे इक्वलिटी जैसे मान लिया एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड वन इक्वल टू एक्स वन चलिए ए प्लस आई बी मान लीजिए ए प्लस आई बी एक जेड टू है सी प्लस आई डी मतलब मैंने एक्स वाई जान के नहीं मानना इसमें कि एक्स वाई का बैना मनी हुआ हुआ कि हम एक्स वाई तुमने पैसे ले रखे कहते नहीं कहो मैं और तेरा करना चाहिए कुछ तो ए बी का एक्स वाई का बैना मनी हुआ हुआ ए बी मान लो कोई दिक्कत नहीं होगी मतलब नंबर है कोई मान लो ठीक है ये दो नंबर कब होंगे यानी अगर ये ऑर्डर फिर में लिख सकूँ ये इसको लिख सकूँ भाई से लिख सकता कब होंगे
इनके रियल पार्ट रियल के बराबर, इमेजिनरी पार्ट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यानी ए इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू टू कम्प्लेक्स नंबर कार्ड विल बी इक्वल इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट विल बी इक्वल। बस आप जितने समझ लो आपको पढ़ना, जितने घर समझ लो आप, अगर आप एक महीने बाद आप कॉपी उठाओ तो ये समझ में आना चाहिए है क्या चीज़ है। देखो यहाँ से कोई समझ में नहीं आ रही, लेकिन ये आपको समझ में आनी चाहिए आप किस तरह लिखे हो, पढ़ना आपको है ये कॉपी ना, तो आपकी कॉपी चेक होनी है इतना इतना टाइम है कि भाई पहले होती थी ना कॉपी चेक दसवीं में, भाई रख दो भाई कहाँ ठीक है कान पढ़े ले बैठे आ जाओ कॉपी कहाँ दे पकड़े हुए हैं है ना, तुम्हें होता नहीं था अब बेटे साफ लिख ले थे कौन पढ़ेगा थे फेल हो जाएगा है, अब काटा कर दे किसी को बुट मिल गया किसी को काटा मिल गया है काट के बना लिया किसी कॉपी लड़कों में तो टीचर जाए कबूतर भी दौड़ा जाए कॉपी के लिए पढ़ी जाए झाग लाट के हैं और साफ लिख के लाइए थे हो गया थी तो यहाँ कॉपी चेक नहीं हुई जैसा आप लिख रहे हैं आप ही सही है, बस आपकी जब आप पढ़ें कुछ टाइम बाद सही माना चाहिए कहना क्या चाहिए बस इस तरह का लिख लो। अगर कोई ऐसा है नहीं लिखना चाहता जब भी काम चल जाएगा भाई, कोई बच्चा ऐसा हो पर एक बार देख के ध्यान रहे होता है ना आगे। अब है स्क्वायर रूट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर, या आगा भाई ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर, देखो मैं एक पहले एक इमेज दे के दिखाता हूँ उल्टा करते हैं इसमें, पहले एक क्वेश्चन लगाता हूँ फिर उसके बाद एक फॉर्मूला बताऊँगा। जैसे अच्छा है बहुत बढ़िया है ये जो टेंथ ट्वेल्थ में करते हैं तो 100% आ जाएगा इसके ऊपर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये स्क्वायर रूट ऑफ ए, स्क्वायर रूट तो जानते हूँ किसे कहते हैं स्क्वायर रूट, सुना नहीं नाम है सुनहर करा दिया पता कुछ नहीं है क्या मतलब स्क्वायर रूट किसे क्या हिंदी में क्या हो स्क्वायर रूट, हाँ स्क्वायर रूट क्यूब रूट भी हो मतलब स्क्वायर रूट हिंदी में क्या कहते हैं, अरे भाई वर्गमूल तो यूँ तो वर्गमूल कह रही हूँ भाई जी, तो वर्गमूल निकालना 16 का वर्गमूल क्या हो और 5 का रूट वन और 25 का तो यूँ को ये तुम्हारे पापा फिर हमें क्या पढ़ा रहे हैं मतलब ये तो आ गया तुम्हारे पास, मैं बेवकूफ़ नहीं बना रहा इसका मतलब तुम्हारे तो पढ़ गया है तुम्हें, लेकिन इसका नहीं मैं कम्प्लेक्स नंबर का निकालना इसका निकाल लूँ बहुत निकाल ही निकाल भाई ए निकाल दो इसका मैं कहाँ निकल जाएगा ये बोलिए ये तो पढ़ने आए हम ये तो कोई स्क्वायर रूट यही हूँ तुम तो करने पर बैठ गए कहाँ निकल जाएगा भाई ये पढ़ा ही नहीं है, इसका स्क्वायर रूट ये आ गया बराबर मान लिया ये नंबर था किसका स्क्वायर रूट निकालना था 7-24 आयोटा इसका इसका निकालना था भाई इसका स्क्वायर रूट निकाल दे बस खत्म मान सर ठीक नहीं है इतना सब तो इतना तो करी लोगे। अब मान लिया इसका स्क्वायर रूट लेट लेट मैंने माना लेट लेट इसका स्क्वायर रूट है एक्स प्लस आई ओटा वाई, दिक्कत तो नहीं भाई यहाँ तक इतना तो कर ही लेंगे कुछ नहीं करा मैंने अपनी तरफ से सब पुराना ही है जितनी अगर की यू भी पढ़ रखा तुमने यू भी पढ़ रखा यू पढ़ रखा है। अब क्या कर देता हूँ मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों तरफ का वर्क करने पर दोनों तरफ का क्या जाएगा 7-24 आईओटा का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस आईओटा वाई का स्क्वायर, बता दे भाई ये क्या लिखेंगे दोनों तरफ पक्षों का वर्क करने पर या स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड क्या लिखना चाहूँगा बता दे भाई मुझे कुछ नहीं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड यहाँ से बात नहीं आ गई। देखो भाई जब रूट का स्क्वायर करते हैं तो क्या जा रूट भाग जा ये पढ़ रखा होगा आपने सब कुछ तुम्हें बताऊँ तुमने पढ़ रखा यही है अपनी तरफ से कुछ नहीं बताना मैं ये पढ़ रखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी ठीक है मेरे पास फॉर्मूला है भाई क्या आ गया एक्स का स्क्वायर प्लस आई ओटा वाई का स्क्वायर प्लस टू
आई ओटा एक्स वाई बता दो भाई, यहाँ से नहीं आगे है भाई, दिक्कत तो नहीं भाई, मानना तो नहीं यहाँ तक के भाई, मानना तो खुदा नहीं, कुछ बात खत्म हो गई अब तो। एक्स सेवन माइनस ट्वेंटी फोर आईओटा इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस आई ओटा वाई स्क्वायर, आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो माइनस वाई स्क्वायर, सीधा लिख लूँ बड़े सारे हो गए, लिख लूँ भाई, जब यू लिखूँ आई ओटा स्क्वायर फिर माइनस यू माइनस माइनस यू है, बड़े सारे हो गए इतने तो, ये तीन चार दिन हो गए भाई, ये बड़े सारे हो गए भाई, ठीक है भाई। अभी मैंने बताया था दो कम्प्लेक्स नंबर एक इधर हो एक इधर हो, अगर दोनों इक्वल हों तो उनके रियल रियल के पार्ट इक्वल हो, इमेजिनरी इमेजिनरी के, यूँ नहीं बताया था अभी मैंने, एक इधर है एक इधर है, यूँ नहीं बताया था अभी मैंने, इक्वलिटी ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर में कॉन्सेप्ट बताया था, भूल गए। तो इसका रियल पार्ट कितना है एक्स स्क्वायर, इसका कितना है तो लिख दू इक्वल, इसका कितना है टू आयोटा एक्स वाई इक्वल टू आयोटा आयोटा, तो आयोटा लिखा नहीं करते क्योंकि इमेजिनरी की तो तुलना हो रही, और माइनस के माइनस क्या आ गया भाई, यहाँ पे बात सुनो आगे, आगे बढ़ाएंगे थोड़ी सी बात। अब तुमने देखो, अब तुम हल करते थे, ये अगर पता हो तुम्हें, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू दे रखी और क्या दे रखी एक्स वाई की वैल्यू, तो किसको सोल्व करते थे, इसे मैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेता था, याद आया कुछ, इसके क्या फॉर्म रहता था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, क्या था बोलो बोलो, बिल्कुल सही, ठीक। अब मुझे गिवन है इनका इस्तेमाल करते हुए, क्या कहा मैंने, इनका इस्तेमाल करते हुए इसकी वैल्यू निकाली मुझे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जी, क्या कह रहे, हाँ ये गिवन है, ये तो गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स वाई की वैल्यू दे रखी मुझे, वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई, ये क्या कह रहे देखो देखो क्या है, देखो 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 दिक्कत क्या है इसमें, वैल्यू किसकी दी हुई है मुझे, वैल्यू किसकी दी रखी है वो भी बताऊंगा मैं तुझे, एक तो इसकी वैल्यू दे रखी है एक तो, यहाँ माइनस कर, दिक्कत तो नहीं भाई, ठीक। मुझे वैल्यू निकालनी है इसकी, यहाँ क्या आएगा ये, आई समझ कुछ बात आई जो है क्या आई होगी, फॉर्मूला उल्टा करके फॉर्मूला आई है तुम्हारी समझ में, कोई बात, अच्छा इधर खोल लो, इधर खोल लो भाई, तेरा खोल लो क्या आ जाएगा, इधर खोल चल खोल लो, अब समझ में आ जाएगा तुम्हारी, खोल ले बैठे थे जल्दी कितना खोल लो, एक कर दो लेकिन इसे भी खोल लो, फिर खोल लो, फिर जल्दी हाथ तो भी लिख लो, ये कॉपी इतनी महंगी नहीं हो रही, इसमें फिल्टर इतनी महंगी नहीं हो रही कॉपी, बिल्कुल ही इतनी जगह छुट्टी है इसका प्रॉब्लम कर लीजिए, जल्दी क्या गई इसकी वैल्यू भाई, इसकी आ गई होगी वैल्यू एक्स पावर फोर प्लस वाई की पावर फोर, यही तो आ गई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई जी,
भाई दिक्कत तो नहीं भाई यहाँ तक की। देखो भाई मुझे वैल्यू दे रखी, किसकी वैल्यू दे रखी, इसकी वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू दे रखी और क्या की वैल्यू दे रखी एक्स वाई की, मतलब एक्स वाई की वैल्यू दे रखी टू एक्स वाई इक्वल टू 12, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे जो है मुझे निकालनी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू। ये किससे निकल सकता है, इसे लिख सकता हूँ मैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर है भाई, ये कहाँ की इक्वल आ जाएगा, यू बोलो इसमें क्या कर दूँ, इसमें क्या 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 फर्क आ रहा है, ये दोनों इक्वल हो सके हैं, कभी इक्वल हो सके हैं। अगर मैं यहाँ क्या कर दूँ इसमें माइनस के चार एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कर दूँ, माइनस कर दूँ तो इसके इक्वल नहीं रखा देगी, है नहीं बात, आई नहीं बात नहीं। अरे इसमें देखा माइनस चार एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कर दूँ क्या आ जाएगा इसमें, इस पूरे में से ये भी जू के तू रहेगा, ये भी जू के तू माइनस के दो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नहीं आना, ये जू के तू नहीं आना। बोलो मैं यूँ कहना चाह रहा इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस चार एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, देखिए यही आएगा फॉर्मूला, यही फॉर्मूला हो क्या, वो फॉर्मूला अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दे रखा, एक्स स्क्वायर माइनस दे एक्स वाई दे रखा, तो फॉर्मूला क्या आता है एक्स स्क्वायर, इसका क्या निकाल लूंगा मैं, इसका क्या निकाल लूंगा भाई, इसका उल्टा निकाल लूंगा, क्या निकाल लूंगा मैं, यानी अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा, अगर यहाँ प्लस की वैल्यू दे रखी यहाँ माइनस की वैल्यू निकाल लूंगा, क्या कहा मैंने भाई किसकी वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस वैल्यू किसकी निकाल लूंगा मैं, अगर यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू तो यहाँ की वैल्यू किसकी निकाल लूंगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई बात नहीं, जैसा यहाँ चिन्ह होगा ऐसा ही, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी वो इसके साथ है, अगर यहाँ प्लस दे रखा तो जो की मिला वो यहाँ आ जाएगा। बोल रहे फॉर्म में रट लोगे भाई, नया फॉर्म लोगे अजीब तरह का, अपने फॉर्म में देखा इसे रट लिया फॉर्म लोग, कब 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 काम करता है ये कम्प्लेक्स नहीं बैठते, जब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई दे रखा हो, नहीं तो इसका तरीका पता क्या है, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो सेवन प्लस वाई स्क्वायर, फिर यहाँ एक्स की वैल्यू रखो सेवन प्लस फिर वाई क्यूब बनेगा, फिर दिक्कत आ जाएगी, वो लंबा बढ़ेगा इतना लंबा उतर जाएगा क्यूब वाला, कब निकलता है फॉर्मूला भैया, अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की प्लस या माइनस की वैल्यू दे रखी हो साथ में दोनों की मल्टीप्लाई की वैल्यू दे रखी हो तो इस तरह निकाल लें हैं, यहाँ से सिनेमा के फॉर्मूला ये इसे खोल के दोनों को यही नहीं आ रहा देगा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखिए यही नहीं आ जाना, यही आएगा एक्स की पावर चार प्लस वाई की पावर चार माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये प्लस के चार है तो प्लस के टू नहीं आना, ये रखा दिए फॉर्मूला, बोलो भाई बात आगे जो फॉर्म से पक्का हो गया तो याद हो जाएगा, अब इसमें वैल्यू में वैल्यू रख दो इन सब की, क्या ये बोल लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, बोल लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर क्या आ जाएगा सेवन का स्क्वायर, सेवन का स्क्वायर प्लस फोर, ये टू एक्स वाई का होल स्क्वायर कर सकूँ वाई से, इसका स्क्वायर नहीं रखा है 24 का स्क्वायर, बोल लो भाई इसे टू एक्स वाई का होल स्क्वायर नहीं रखा गया, यानी टू एक्स वाई का होल स्क्वायर कितना जाएगा 24 का जी, ये बेटे सीधा ही टू एक्स वाई का स्क्वायर डायरेक्टली लिख दिया मैंने, इसलिए तुमने काटा था मुझे तो पता था इसलिए काटा आसानी के लिए, आई बात है, अब तो समझा क्यों नहीं कटता था मैंने, हाँ नहीं एक्स वाई क्वालिटी कितना जाए 12, फिर यहाँ चार से गुणा करूँगा फिर इसके बाद वहीं के वहीं रह गई है, पर सीधा ही नहीं आगे देगी टू एक्स वाई का होल स्क्वायर नहीं कर सकता इसे, मैं ना चार एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को लिख सकता हूँ टू एक्स वाई का, बोलो भाई सर अब इसका क्या आ गया, ये 24 का सेवन का स्क्वायर कितना होगा 24 का स्क्वायर कितना हो 24 का वर्ग 576, 576 पक्की बात है,
देख ले भाई कौन से जिले, मैं तो लिख दूंगा भाई। yes, उन दोनों का सम क्या आ गया, कितना आ गया सम? छः सौ पच्चीस आ रहा है। देख लो भाई मैं लिख, चल ठीक है, 625 आना चाहिए था मुझे, उस पर निकाह 625 ही आ रहा है हमेशा। 24 सर 7 से क्या आ रहा है टिक्नोमेट्री में, 25 वाली लाइन आ रहा है। ये रटी रटाई मैं तो इस पर 625 में निकाह रख रहा था, मुझे तुम्हें पता ही आनी, मैं तो रटावा मेरे ही आनी है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर 625, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लूँ, वर्गमूल ले लूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 25। बोलो मुझे बोल रहा, बोलो हाँ या ना। में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 25। एक तो ये इक्वेशन है, एक इक्वेशन क्या है मेरी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, यो फर्स्ट हो गई, यो इन्हें सोल्व करियो क्या आ जाएगा भाई, देखिए जरा एक्स बराबर 4 और वाई बराबर, है जी एक्स बराबर 4, ये तो बहुत पहले ऐलान हो गया था, वाई बराबर 3। देखो भाई वाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड सीधा लिख दूँ डायरेक्ट वाई में, मारी नकल मार की दिक्कत तो नहीं। एक्स बराबर क्या आ गया 4 और वाई बराबर, भाई तुमने एक और गलती कर दी, देखो तुमने कल भी बताया था मैंने तुम्हें, हम बड़े सारे हो गए कल ही, मैंने दो दिन से एक बार बताता रहा कि मैंने कहा 4 नहीं वर्गमूल लिखना, मैं क्या लिखूंगा प्लस माइनस 4, बताया था मैंने तुम्हें, गलती फिर वही कर रहे, हम बड़े सारे हो गए भाई। एक्स बराबर प्लस माइनस और वाई बराबर क्या लिखूंगा, यहाँ तक बात नहीं आ गई। देखो अब देखो x की वैल्यू यहाँ रख दूँ प्लस माइनस 4 और y की वैल्यू एक थोड़ी सी एक उतर लगेगी, एक यहाँ थोड़ी सी एक उतर लगेगी। अच्छा यहाँ दिक्कत तो नहीं है वैसे, घर बैठ के हो जाएगा सवाल, यू एक थोड़ी सी अकल क्या रहेगी। देखो जो जो x और y की जो मल्टीपल है माइनस की है, x y की मल्टीपल क्या है दोनों की, दिखाई दे रही हो, वो तो वहाँ स्क्वायर हो गया था, जान बचा के भाग गए हम, दिक्कत भी नहीं थी, माइनस 24 का स्क्वायर प्लस है अन्नी, पता बहुत दिक्कत पैदा करा है माइनस वाला तो है। इसका मतलब दो नंबर की प्रोडक्ट माइनस है, कब प्रोडक्ट जीरो होती है, दो नंबर की प्रोडक्ट माइनस कब होती है, इफ एट लीस्ट इफ इफ इज इन वन ऑफ देम इज नेगेटिव, इनमें से कम इनमें कम से कम इनमें एक नेगेटिव है, एक यानी एक्स पॉजिटिव तो वाई कैसा जाएगा, अगर y पॉजिटिव है तो x यही तो होगा भाई, एक एक यानी एक दूसरे के साइन क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो x की वैल्यू अगर मैंने कितनी मान ली, 4, तो y की वैल्यू कितनी मान लूँगा मैं, समझ में आ गया क्यों मान लूँगा या यू नहीं समझ में आई, लिखेंगे बिकॉज, लिखेंगे बिकॉज एक्स वाई आर द प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई आर इज नेगेटिव, इसके नीचे लिख लेना बिकॉज एक्स वाई, अब तो मैं लिख दिया बोल रहा, घर जाके ध्यान नहीं रहना या एक महीने बाद क्यों आया, क्या क्या वजह है, बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई इज नेगेटिव, हैंस देयर नंबर विल बी अपोजिट नंबर, अपोजिट साइन, देयर नंबर विल बी अपोजिट, यहाँ तो बात नहीं आगे रटी रटा इस बात तो नहीं हुई। तो एक्स की वैल्यू की, अच्छा इसका इसका स्क्वायर रूट की वैल्यू कितनी थी, इसका स्क्वायर रूट की वैल्यू कितनी माननी थी मैंने, अरे एक्स आई वाई की वैल्यू तो निकालनी थी, और एक्स की भी निकाल ली वाई की भी निकाल ली, अगर एक्स की वैल्यू तुमने 4 निकाल ली तो वाई की वैल्यू कितनी मान लूंगा, 3 आई, और दोनों में क्या आया, प्लस माइनस है, बड़े सारे हो गए, ये होगी बताओ दिक्कत तो नहीं। अब तुम यूँ कहो जी अब यो ठीक भी है नहीं, यो ठीक भी है नहीं कि मुझे धोखे तो नहीं दे रहे, वो गलत तो नहीं पढ़ा दे, ठीक भी है नहीं,
अब देखो जी किसको बढ़ा रहे, देखो मैंने भाई ठीक है ध्यान देख ले भाई तू, अब तुमको जी 9 का वर्गमूल क्या है, किसको 3 प्लस माइनस 2 वो तो प्लस माइनस हो गया, मतलब 3 क्यों है इसका आंसर, 3 गुना 3 बताया था मैंने एक दिन, और 3 गुना 3 को 3 का वर्ग कर दो 9 आएगा, अगर मैं इसका वर्ग कर दूं तो क्या आना चाहिए, यू आना चाहिए भाई, करके दिखाऊं, देख चेक कर लेंगे बच्चा एक बार, तो 4 माइनस 3 आई का स्क्वायर क्या आ जाएगा, यो 4 का स्क्वायर प्लस 3 आई का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू 3 आई, जी 4 का क्या कहते हैं, हाँ बिल्कुल 4 का स्क्वायर माइनस 9 आ जाएगा, बोल लो माइनस 24 आई आ जाएगा, 4 दिन 8 से 24 16 माइनस 9 क्या जाएगा 7 माइनस 24 आई, देखिए क्या आया, देख सवाल गलत है सही है, सही बताया भाई मैंने, गलत नहीं बताया था, बोलो अबे इन पानों चेक भी कर सको भाई, अगर मान लिया इसका स्क्वायर रूट निकालना कौन था उसका वर्ग करके देख लियो, इम्तानों क्या करूँगे मान लिया, वो सुन लो बेटे एक बात इधर को बाद में देख लो, अगर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट गहरा बता क्या होगा, इतना लंबा तो महाभारत बहुत देर लगेगी, इनके वर्ग कर लियो जितने भी आंसर दे रखे जिसका वर्ग आएगा वही होगा, इनके वर्ग करते चले जाओ, बल्ले बंद तो उल्टा चले ले भाई निकाल लें हम क्यों, और निकालने भी आने चाहिए वैसे तो भाई बाप जाम मामला आई ने बात सुनना आखिर में, ये तो मैंने ऑप्शन की बात बताई तुम्हें निकालने की, और ये है इसका तरीका निकालना चाहो उतार लो फिर आगे एक बार और बने, कहाँ लिखा मुझे दिखाई नहीं दे रहा हूँ दस हो गया मैं, ये इसके साथ बट ये इसकी इसकी सारी है यहाँ पर है, ये सामने है इसके लाइट खोल लो कुछ दिखाई दे रहा मतलब मेरी तरफ थोड़ा सा चमक टिमटे मारते होंगे जी, दो तीन क्लास में मिटा देंगे मज़ा नहीं आ रहा जुटे जुटे करते चल करा चलो चल ठीक है हाँ तो करने जल्दी छोड़ घर के संडे भी हैं ठीक है भाई आज भी लेते हैं बेस्ट ऑफ लगे एक जो है ना ये भाई स्क्वायर रूट निकाल के देखना घर से जिसकी जो भी बुक होगी ना सबके पास होंगे स्क्वायर रूट निकाल लोगे थे
फिर इसका एक शॉर्ट तरीका बताऊंगा कल की किस तरह बनते हैं।